हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमर्स। तो गाइस, GTA 5 ऑनलाइन का एक और वीडियो आ चुका है। और आज की इस वाली वीडियो में गाइस, मैंने ह्यूमन लैब्स रेड के और दो मिशन कंप्लीट किए हैं, EMP और वैलकरी मिशन दोनों। और गाइस, मुझे गेम में दो दोस्त भी मिले हैं जो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हो रही है। वो दोनों मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनका साथ दे रहा हूँ। वो मेरे मिशन में मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनके मिशन में उनका साथ दे रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनके साथ खेलने में। तो और गाइस, जब मैं वीडियो बना रहा था EMP वाले मिशन में, यानी कि अब जो फर्स्ट मिशन होगा उसमें गाइस, एक रैंडम बंदा आया था जिसका कैरेक्टर एक लड़की का कैरेक्टर था। तो गाइस, उसने जैसे मिशन ख़त्म हुआ, उसने पता नहीं क्यों मेरे दोस्त को और मुझे मार दिया। और हमें पता भी नहीं चला, मरने के बाद मुझे पता चला कि उसने हमें मार दिया है। तो मैंने उससे चुन चुन के बदला लिया। जब हमारा जो दूसरा मिशन था वैलकरी वाला, जब वो मिशन किया, मैंने उसे इनवाइट किया ये देखने के लिए कि हो सकता है वो आ जाए। तो गाइस, वो सच में आ गया। तो जैसे ही वो वाला मिशन ख़त्म हुआ, मैंने उसे मार दिया। भाई, वही मेन अच्छी चीज़ मुझे लगी उस पूरे मिशन के दौरान, क्योंकि जब हम वैलकरी वाला मिशन कर रहे थे, वो बार बार चाह के हमारा मिशन फेल करवा रहा था। एक बार उसने खुद से पता नहीं क्यों मर गया, वो भी मेन जब हम हेलीकॉप्टर लेके मेन जब जगह पे पहुंचे तभी। और दूसरी बार उसने हेलीकॉप्टर में ही आग लगा दी। लेकिन गाइस, उसे चुन के बदला लिया, दोनों मिशंस भी कंप्लीट किए। और अब गाइस, ह्यूमन लैब्स रेड के दो मिशंस बाकी रह गए हैं। एक EMP डिलीवर करना है और दूसरा फाइनल मिशन है। और इसके बाद सीरीज ऑफ फंडिंग की हाइस्ट स्टार्ट होगी। तो अगर तुम लोग को ये हाइस्ट देखने, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पर सेट कर लो, ताकि वो वाली वीडियो आए तो तुम्हें पता चल जाए। और गाइस, सॉरी कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि वीडियो तो रेडी थी, लेकिन गाइस गलती से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी अपलोड करने के बजाय। हाँ, मैं मानता हूँ गलती हो गई है, लेकिन गाइस सॉरी। और वो वीडियो थी गाइस UALP मिशंस की। उसमें गाइस मेनली 6 मिशंस हैं और धीरे धीरे वो डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। बहुत बड़े बड़े मिशंस हैं, अच्छे खासे मिशंस हैं। और गाइस, मैंने वो पहले ही लाइव स्ट्रीम में ख़त्म कर दिया है, लेकिन गाइस फिर भी मैंने सोचा क्यों ना उन सारे मिशंस की एक वीडियो बना के डाला जाए। तो ऐसा करके गाइस, मैंने पूरी वीडियो बनाई, बस मैंने अपलोड करने की जगह उसे डिलीट कर दी। तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन गाइस, कल या परसों तक वो वीडियो भी आ जाएगी, और तब तक हो सके तो ह्यूमन लैब्स रेड का भी वीडियो सारे आ चुके होंगे, तो हम सीरीज ऑफ फंडिंग के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल गाइस, बिना भूले देखना कि जब उसने मुझे मारा, मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन जब मैंने उसे मारा उतनी ही खुशी हुई। और मेरे दोस्त ने मेरा पूरा साथ दिया, हालांकि जब उसने हमें पहली बार मारा, मैंने उससे कहा था कि भाई रुक जा, हम उसे मारने चलते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, पहले हाइस्ट ख़त्म कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हाइस्ट ख़त्म करने के बाद उसे देखते हैं। और हमने उसे सच में देखा, ऐसे देखा कि वो सीधा हमसे दूर कहीं जाके स्पॉन हुआ। मैंने वो भी दिखाया कि वो कहाँ स्पॉन हुआ है। तो इस वीडियो को एंजॉय करो। और हाँ, इस वाली वीडियो में भी आगे जब मिशन स्टार्ट होगा तो वही सुवर नहीं होगा, ऑब्वियसली यही रीज़न है, क्योंकि मैं हेडफोन का माइक यूज़ करता हूँ और वो कंट्रोलर से कनेक्टेड रहता है। और अगर मैं कुछ भी कहूँगा मिशन के अंदर या फिर जब मैं घूमता रहूँगा तब भी, तो सारे बंदों को सुनाई देगा। और जब मिशन में रहूँगा तब सिर्फ मेरे टीममेट्स को सुनाई देगा, लेकिन मैं वो भी नहीं चाहता। और हाँ, बहुत जल्द 2K22 के वीडियोज़ भी आने वाले हैं, तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो एंजॉय करो। मैं तुम्हें आउट्रो में मिलता हूँ।
southeasterly bearing and you'll see the vessel you're boarding. You know what an EMP is, right? An electromagnetic pulse. It goes off and fries all the electrics in the vicinity. They're keeping it in a Hydra jump jet, 40-year-old technology. But anything newer would rely on circuitry and get taken out by the pulse. Yeah, I know, an insurgent and an EMP are non-standard equipment for a raid like this. Based on Reshkovsky's in-depth knowledge of the facility, the schematics he provided, we've been able to draw up a plan with a high probability of success. Human factor discounted. The drawback is the shopping list. But you have it in your hands now, and you're running down the aisles and filling up our carts. Come on!
EMP comes out of the jet, goes back into the 4x4. We use the jet to make some money, destabilize an oil state, and we prep the insurgent to go back into the Meriwether fleet. Now, you, we're moving on to phase two. And that means taking the insurgent, once it's fitted with the EMP, and getting it into humane labs so we can turn the lights on. Hey! Careful with that thing! It also means getting a Valkyrie attack chopper from, well, this will teach him who to listen to, Meriwether Security at the port of LS. Once we're done with that, we'll go back to your place, get started on that thing I know nothing about. Details are on your board. Your board at the apartment. Go! Thank you.
bird's got a beak and talons, but not many feathers, if you get me. It's well armed with barely any armor. Pilot, keep the other helos at a distance. Gunners, make your shots count. Feathers, if you get me. It's well armed with barely any.
any armor. Pilot, keep the other helos at a distance. Okay, we got it from here. ओके गाइस, तो आज की इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। मैं होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बेहद ही पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो गाइस इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। ऐसे ही GTA 5 ऑनलाइन, GTA 5 स्टोरी मोड, WW2K22, WW2K17, रोब्लॉक्स और भी बहुत सारे गेम्स की वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पर सेट कर लेना ताकि सारी अमेजिंग वीडियोज है तो तुम लोगों को पता चल जाए। और कमेंट में बताओ कि मेरा बदला कैसा लगा तुम लोगों को कमेंट, और गाइस साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। और गाइस मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि मैं हर दिन वीडियो लूँ। और गाइस अगली ह्यूमन लैब्स रेड की वीडियो में ये हाइस्ट खत्म हो जाएगी और उसके बाद गाइस हम सीरीज ऑफ फंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, हमें 1K हिट करने हैं यार जल्द से जल्द। और गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोग को बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक लेकर खुद का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, हमारी दुनिया का ख्याल रखो। इफ़गान रे बाय। मैं आजकल लाइव स्ट्रीम्स भी कर रहा हूँ तो अगर टाइम हो तो जुड़ जाना उसमें भी।